नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं धान की फसल की एक और आफत के बारे में। और किसान भाइयों, यह होती है BPH यानी कि ब्राउन प्लांट होपर, या किसान भाइयों इसको भूरा तेला, भूरा माहू या भूरा फुदका भी बोला जाता है। हालांकि कुछ किसान भाई इसे मच्छर भी बोलते हैं, लेकिन किसान भाइयों यह उससे अलग होता है। किसान भाइयों, इस कीट का आक्रमण हमारी धान की फसल में 60 से लेकर 90 दिन के आसपास होता है। यह कीट किसान भाइयों आकार में बहुत छोटे होते हैं और यह धान की फसल के तने पर बैठते हैं। वहाँ पर बैठकर किसान भाइयों यह धान की फसल से उसका रस चूसते हैं, और तने का रस चूस जाने की वजह से किसान भाइयों एक तो हमारी ऊपर की जो पत्तियाँ होती हैं वे पीली पड़ जाती हैं, और दूसरा किसान भाइयों जब तने से रस चूस लिया जाता है तो हमारी फसल का तना कमज़ोर हो जाता है, जिस वजह से धान की फसल गिर भी जाती है और धान का पूरा पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, एक बार यह कीट जब हमारी फसल में आक्रमण कर देता है तो यह बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसका आक्रमण भी किसान भाइयों पहले हमें अपने खेत के छोटे छोटे हिस्सों में देखने के लिए मिलता है, और कुछ समय बाद ही यह लगभग पूरे खेत में फैल जाता है। एक बार जब यह अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं तो किसान भाइयों हमारे खेत की स्थिति घंटों के हिसाब से बदलती है। यह एकमात्र कीट किसान भाइयों ऐसा है जो हमारी धान की फसल के पूरे उत्पादन को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। किसान भाइयों, धान की फसल में यह कीट बालियों में दाने भरते समय भी आ सकता है। उस समय अगर यह हमारी फसल में आ जाए तो हमारी फसल में दाना नहीं भर पाता, दाना सूख जाता है और साथ ही पूरी फसल भी सूख जाती है, जिस वजह से हमारी फसल का पूरा उत्पादन नष्ट हो जाता है। अगर देखा जाए तो जिन खेतों के आसपास गन्ने की फसल है या जिन खेतों के आसपास ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगे हुए हैं, घास फूस उगा हुआ है, उन खेतों में इस कीट के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल लगभग 50 से 60 दिन के आसपास की हो जाए और उस अवस्था में किसान भाइयों आपको अपने धान के खेत के ऊपर कीट पतंगे उड़ते हुए दिखाई दें, उस समय किसान भाइयों आप अपने खेत में इमिडाक्लोपिड या थियामेथॉक्सम का स्प्रे करके इन कीटों से अपनी फसल को बचा लें, क्योंकि ये कीट पतंगे ही ब्राउन प्लांट होपर के शुरुआती लक्षण होते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर आपकी फसल में इस कीट का आक्रमण हो गया है तो कैसे आप अपनी फसल को इससे छुटकारा दिलाकर अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर यह कीट आपकी फसल में आक्रमण कर दे तो आप कैसे अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों मैं कुछ कीटनाशक बताने वाला हूं। आप अपनी फसल में इस कीट के प्रकोप के अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं अगर आपकी फसल में यह इस कीट का आक्रमण अभी शुरू ही हुआ है, यानी कि बहुत कम संख्या में आपके खेत में यह कीट है, तो इसके लिए किसान भाइयों जो सबसे पहला कीटनाशक आप इस्तेमाल कर सकते हैं वह होता है बुप्रोफेजीन 25% SC फॉर्म में, जो बाज़ार में अपलोड के नाम से काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा किसान भाइयों, ट्रैक्टर ब्रांड ने एक कीटनाशक लॉन्च किया था अकीडो के नाम से, इसमें भी किसान भाइयों बुप्रोफेजीन और फिप्रोनिल पाया जाता है। इसका भी काफ़ी शानदार रिजल्ट किसान भाइयों BPH के लिए हमारी फसल में होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अपनी फसल में फेनोबुकार्ब 50% EC का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको BPMC भी बोला जाता है। यह बाज़ार में आंधी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। इन तीनों का किसान भाइयों आप अपनी फसल में जब BPH की शुरुआती लक्षण हो उस समय इनका प्रयोग कर सकते हैं। इनके प्रयोग से यह कीट तुरंत नष्ट हो जाएगा और साथ ही आपकी फसल को 10 से 12 दिन की सुरक्षा भी मिलेगी। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में इस कीट का आक्रमण थोड़ा ज़्यादा मात्रा में हो चुका है तो उसके लिए किसान भाइयों आप PI कंपनी के ओसिन का प्रयोग कर सकते हैं, या किसान भाइयों आप इंडोफिल कंपनी के टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसान भाइयों अगर आप चाहें तो सिजेंटा कंपनी के चेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी कीटनाशकों के अंदर जो भी टेक्निकल है उसका नाम आपको अपनी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आप चाहें तो किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये कीटनाशक आपकी फसल से इस कीट को तुरंत ख़त्म कर देंगे और आपकी फसल को लगभग 15 से 16 दिन तक सुरक्षित भी रखेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि अगर आपकी फसल में इस कीट का आक्रमण ज़्यादा हो चुका है तब आपको क्या करना है। इसके लिए किसान भाइयों आप अपनी फसल में ड्यूपोंट कंपनी के पैक्सोलोन का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक बताए गए कीटनाशकों में पैक्सोलोन महंगा पड़ता है, इसलिए पैक्सोलोन का प्रयोग आप अपनी फसल में तभी करें जब आपकी फसल में यह कीट ज़्यादा मात्रा में आ चुका हो।
पैक्सालोन का प्रयोग अपनी फसल में करने से किसान भाइयों आपकी फसल से यह कीट तुरंत खत्म हो जाएगा और आपकी फसल को लगभग 20 से 25 दिन की सुरक्षा भी मिलेगी। और किसान भाइयों अगर आपकी फसल में यह कीट बहुत ज़्यादा संख्या में आ चुका है तो आप किसान भाइयों पैक्सालोन के साथ 250 ml BPMC यानी फेनोबुकार्ब 50% EC जो आंधी के नाम से बाजार में काफ़ी मशहूर है इसका प्रयोग अगर आप कर लेते हैं तो आपकी फसल में कितना ही भयंकर होपर आ गया हो, कितना ही भयंकर तेला या माहू आ गया हो, वह सब खत्म हो जाएगा। साथ ही आपकी फसल को लगभग 30 से 35 दिन की सुरक्षा मिलेगी। किसान भाइयों इस वीडियो में आपको 5 से 6 कीटनाशकों के बारे में जानकारी दी गई है। आप अपनी फसल में इस कीट के आक्रमण की स्थिति के अनुसार इनका प्रयोग अपनी फसल में करके अपनी फसल को इस कीट से बचा सकते हैं।